हेलो माय डियर व्यूअर्स, एच जी के यादव वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। माय डियर व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सेशन दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिशनर्स एंड इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। हम लोग सेशन 7 से लेकर के 10 तक वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करते रहेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी कंपोज्ड ऑल द वीडियोज From 1 to 6। Now I will start session 7 today and session 7 से लेकर के 10 तक आपका चलेगा वो various practitioners के बारे में हम लोग बात करेंगे। session 7 में हम लोग definition देखेंगे। अभी हम लोग definition देखेंगे बहुत सारे practitioners के बारे में, उसके बाद हम लोग origin and related words के बारे में discuss करेंगे। So my dear friends, be with me, like, share and subscribe my channel so that everybody can be benefited just as you are being benefited. So now dear viewers, in this session 7 word power made easy normal Lewis, we are going to discuss about practitioners। हम लोग session 7 में practitioners के बारे में बात करेंगे। practitioners क्या होते हैं? जो चीजों को practice करता है उन्हीं को तो practitioners बोला जाता है, but generally practitioners are used for lawyers and doctors। ये lawyers और doctors के लिए use होता है क्योंकि इनको खूब practice करना पड़ता है for the betterment of the society। So now we will be discussing about these words written on the board: a psychologist, a psychoanalyst, an orthodontist, an optometrist or ophthalmic or optician, an osteopath, a chiropractor, a chiropodist, a graphologist and last gerontologist। We will be discussing about these words in this video, so please be with me, like, share and subscribe my channel। So let's discuss about the first word, a psychologist। Who is a psychologist? A scientist who has studies the mind एंड द वे पीपल बिहेव, यानी कि एक ऐसे वैज्ञानिक जो लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं और उनके बर्तावों को भी पढ़ते हैं कि कैसे वो बिहेव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इन इट इन बेटर वे। इफ वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द किलर वी वुड हैव अ बेटर चांस ऑफ कैचिंग हिम। अगर हम किलर के साइकोलॉजी मनोविज्ञान को समझ जाए तो उसे पकड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। साइकोलॉजी हैज बीन कम्बाइंड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स, साइकी मीन्स माइंड, लॉजी मीन्स साइंस, यानी कि द साइंस ऑफ माइंड इज called psychology and the person who has expertise to study the science of mind is called psychologist। यानी कि जिसे जिन्हें mind के science में expertise हासिल होता है उन्हीं को हम लोग psychologist बोलते हैं। So psychologist is a very helpful people for the society because he has ability to figure out the behavior and the mind of the people। Psychologists are hired by the big companies because in a big company there are many employees are working there। बहुत सारे employees होते हैं। जब employ जो क्या unproductive हो जाते हैं, जब company के लिए फायदेमंद वो साबित नहीं हो रहे होते हैं तो company एक psychologist को hire करती है और हायर करने के बाद साइकोलॉजिस्ट जितने भी वहां कंपनी के वर्कर होते हैं उनके दिमाग और उनके बिहेव को स्टडी करने के बाद उनको मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु इज आल्सो हायर्ड बाय मेनी कंपनीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट इज सिमिलर टू साइकोलॉजिस्ट। साइको एनालिस्ट जो है वो अगर फॉर्मेशन की दृष्टि से देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन इसको साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिस्ट में क्या जोड़ा है? एनालिसिस जोड़ा है। एनालिसिस मीन्स क्या होता है? विश्लेषण, जो हम लोग हिंदी में जानते हैं। यानी कि साइको एनालिसिस यानी कि जो दिमाग को विश्लेषण करने वाला व्यक्ति होता है उसको साइको एनालिस्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन ऑफ दिस साइको एनालिस्ट हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ साइको एंड एनालिसिस। साइको एनालिस्ट, साइको, यू कैन सी ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन हैज बीन रिटन हियर, मनोरोग विश्लेषक, यानी कि जो मनोरोग को विश्लेषण करने वाले को मनोरोग विश्लेषक कहा जाता है, यानी कि जिनको साइको एनालिसिस में एक्सपर्टीज हासिल होता है उनको साइको एनालिस्ट बोला जाता है। अ पर्सन हु ट्रीट्स समबडी विद अ मेंटल इलनेस बाय यूजिंग साइको एनालिसिस, यानी कि अ पर्सन अ प्रैक्टिशनर्स हु ट्रीट्स समबडी जो लोगों को इलाज करता है विद अ मेंटल इलनेस, यानी कि जो दिमाग में इलनेस मेंटल इलनेस होते हैं, बाय यूजिंग साइको एनालिसिस, यानी कि जो साइको एनालिसिस का प्रयोग करता है उनको साइको एनालिस्ट बोलते हैं, यानी कि मनोरोग विश्लेषक। साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट समटाइम्स अ लिटिल बिट दे आर सिमिलर एंड दे वर्क, दे परफॉर्म द सेम जॉब, सेम एक्टिविटीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो नाउ नंबर 3, एन ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में जानते हैं। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्थोडोंटिस्ट। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस वर्ड प्रॉपर्ली इन प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट सीन यू शुड गो इन माय प्लेलिस्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट।
एंड ऑर्थोडोंटिस्ट, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसके ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिसनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस सेशन में दिया गया है, तो फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? ऑर्थोज मिस होता है स्ट्रेट कॉरेक्ट, और ओडोंटोज मिस टीथ होता है। ऑर्थोडोंटिस्ट हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोज प्लस ओडोंटोज, यानी कि ऑर्थोज मिस होता है स्ट्रेट कॉरेक्ट, ओडोंटोज मिस टीथ होता है, यानी कि आपके टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, उसको सीधा करना, सही करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है आपके बैड बाइट को राइट बाइट करता है। बैड बाइट मतलब आप चीजों को सही से नहीं काट पाते, यानी कि बाइट सही से बाइट नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिशनर हु करेक्ट योर बाइट, हु स्ट्रेट योर बाइट, यानी कि आपके बाइट को करेक्ट करता है, स्ट्रेट करता है, टीथ को स्ट्रेट करता है, उसी को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। नाउ वी मस्ट डिस्कस अबाउट फोर, एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थाल्मिक और ऑप्टिशियन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑप्टोमेट्रिस्ट हैज बीन कंबाइंड विद ऑप्टिकोस। ऑप्टिकोस का मीनिंग होता है, देखिए ऑप्टिकोस, OPTIKOS, ऑप्टिकोस मिस होता है विजन, VISION, ऑप्टिकोस मिस होता है विजन। एंड मेट्रिस्ट, मेट्रिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मेट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम मेजरमेंट, मेजरमेंट मिस क्या होता है? मेट्रॉन, मेट्रॉन मिस में मेजरमेंट होता है, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ विजन इज कॉल ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि वन हु मेजर्स द विजन इज कॉल ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि जो विजन को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ऑप्थाल्मिक, ऑप्थाल्मोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ऑप्थाल्मोलॉजी मिस आई होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वर्ड्स। एंड ऑप्टिशियन मिस ऑप्टिकोस मिस आई होता है, और जिस वर्ड के लास्ट में ICIN होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं, यानी कि जो विजन में एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिशियन बोलते हैं, यानी कि जो विजन साइट के एक्सपर्ट होता है ना, यानी कि वन हु इज द एक्सपर्ट ऑफ विजन एंड साइट इज कॉल्ड ऑप्टिशियन, वन हु मेजर्स द विजन इज कॉल्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट, एंड वन हु हैज नॉलेज अबाउट द आईज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्थाल्मिक। सो नाउ वी मस्ट डिस्कस अबाउट वर्ड नंबर 5 ऑफ दिस सेशन, एंड ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिशनर इज ही, वो किस प्रकार का प्रैक्टिशनर होता है? वी मस्ट डिस्कस अबाउट इट। अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स, अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग सम डिजीजेस एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड मसल्स, यानी कि ऑस्टियोपैथ एक प्रकार का मालिश करने वाला डॉक्टर होता है, यानी कि अगर आपके आप में कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टैंड, कोई डिजीज है, तो आपके बोन्स और मसल्स को क्या करता है? मूव करके, प्रेस करके उस प्रॉब्लम्स को दूर करता है। यानी कि अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग सम डिजीज एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड मसल्स, यानी कि आपके बोन्स और मसल्स को प्रेस करके, मूव करके अगर आपके तकलीफों को दूर करता है, तो उस दूर करने वाले डॉक्टर को, प्रैक्टिशनर्स को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपैथ बोलेंगे, ऑस्टियोपैथ बोलेंगे। ओके, नाउ 6, अ काइरोप्रैक्टर। वी मस्ट काइरोप्रैक्टर के बारे में देखेंगे। A person whose job involves treating some disease and physical problems by pressing and moving the bones in a person's back, यानी कि आपके रीढ़ के हड्डी को प्रेस करके, मूव करके अगर आपकी बीमारी को ठीक करता है, उस प्रैक्टिशनर को क्या बोलेंगे? A chiropractor. I repeat, a person whose job involves treating some diseases and physical problems by pressing and moving the bones in a पर्सन्स बैक, यानी कि आपके पर्सन्स बैक, यानी कि स्पाइन को मूव करके, प्रेस करके आपके शरीर के डिजीज को ठीक करता हो, ट्रीटमेंट आपका करता हो, तो वो कौन से प्रैक्टिशनर होंगे? वो कायरोप्रैक्टर होंगे। वी मस्ट डिस्कस अबाउट कायरोपोडिस्ट, एंड आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द रूट वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन, सेशन 8 and 9, वी विल हैव प्लेंटी ऑफ रूट वर्ड्स बाय विच दीज वर्ड्स हैव बीन कंबाइंड, so it will be very easy to understand in the next session. So we must discuss about the next word, a chiropodist. Chiropodist, a person whose job is to look after people's feet, यानी कि जो लोगों के चरण पैर को देखता है उसको chiropodist बोलते हैं। आपको मैं बता, here there is an interesting things, podiatrist और podiatry, यानी कि chiropodist को podiatrist बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, और आपके सारे शब्दों का जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा कि COLOUR क्यों होता है, COLOR क्यों होता है, या अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है। एंड आई वुड लाइक टू मेक अ
डिटेल सीरीज ऑन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश. सो कायरोपोडिस्ट इज अ ब्रिटिश इंग्लिश वेयर एज पोडियाट्रिस्ट दिस बोथ वर्ड इज यूज फॉर द सेम प्रैक्टिशनर्स बट पोडियाट्रिस्ट इज यूज इन अमेरिका पोडियाट्री इज यूज इन अमेरिका. दिस पोडियाट्रिस्ट एंड पोडियाट्री ऑल्सो चरण रोग विशेषक होते हैं लेकिन ये अमेरिका में इनका यूज किया जाता है. और कायरोपोडिस्ट जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको कायरोपोडी बोलते हैं. CHIROPODY कायरोपोडी हो गया कायरोपोडिस्ट उसी तरह हो गया पोडियाट्री एंड पोडियाट्रिस्ट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. सो कायरोपोडिस्ट इज अ काइंड ऑफ डॉक्टर हु लुक्स योर फीट. नाउ वी हैव सेकेंड लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन अ ग्राफोलॉजिस्ट. I'm also not going to explain the root words of graphologist, but I would like to define this word in this session. A person whose job is to look after people's handwriting to authenticate their character, personality, abilities, etc. Graphologist एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका काम होता है व्यक्ति के handwriting को देख करके उनका character पता करना, personality पता करना और abilities पता करना. यानी कि graphologist is a person who authenticates your character, personality, abilities with the help of your handwriting. यानी कि आपके handwriting से अगर आपको character के बारे में पता कर ले, personality के बारे में पता कर ले कि किस तरह के व्यक्ति हैं आप, abilities आपके पता कर ले, उनको graphologist बोलते हैं. Now the last word of this session, gerontologist. We have already discussed about geriatrics. Geriatrics यानी कि the medical healing of old age is called geriatrics. And the gerontology has been also combined with the help of gerus and logy. यानी कि अ पर्सन हु जॉब इज टू लुक आफ्टर ओल्ड एज यानी कि जो ओल्ड एज देखना, ओल्ड एज के समस्याओं का देखना जिनका काम है उनको जेरियंटोलॉजिस्ट लॉजिस्ट बोलेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, सेशन 7 हैज नॉट बीन फॉर द रूट वर्ड्स, इट हैज बीन ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स. इन सेशन 8, 9 and 10 वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रूट वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेनी वर्ड्स which have been formed with the help of these words. यानी कि बहुत सारे शब्दों का formation इन शब्दों के मदद से हुआ है, उनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे. जैसे gerontologist से बहुत सारा शब्द जुड़ा होगा, graphologist से बहुत सारा शब्द जुड़ा होगा, understand? osteopath से जुड़ा होगा, chiropractor से जुड़ा होगा, chiropodist से जुड़ा होगा, orthodontist से जुड़ा होगा, psychoanalyst से जुड़ा होगा, psychologist से जुड़ा होगा. इनसे जुड़े हुए जितने भी origin and related words होंगे हम लोग session 8 और 9 में we will be discussing about these roots and related words of these words. So my dear friends, I would like to tell you, please like, share and subscribe my channel and be with me and be always benefited with the help of my explanation. And if you find any mistake, try to excuse me because I don't have a lot of time, plenty of time by which I can shoot many terms a single video. This is my humble request to you. If you figure out any single mistake in my videos, try to let me know through the comment. I would like to rectify it. That's all. Thank you.